दलानी फसलें हमारे देश में तीनों मौसम में होती हैं कुछ फसलें जो है खरीफ में होती हैं कुछ रबी में होती हैं कुछ जायद में होती खरीफ में जो फ़सलें बोई जाती हैं जैसे उसमें महत्वपूर्ण फसल है अरहर उसके बाद उरद मूंग और लोबिया है तो ये जो फ़सलें हैं इनमें देखना है कि इनकी जो बुआई की जो पद्धति है उसका बहुत पूर्ण महत्वपूर्ण स्थान है ये इसलिए क्योंकि बरसात में कभी बहुत ज़्यादा बरसात हो जाती है तो खेत में पानी भर जाता है और उसका उचित निकास नहीं होता जिससे पौधों की संख्या पर्याप्त नहीं होती है इसलिए जो उत्पादन भी अच्छा नहीं होता है उसके बाद दूसरी समस्या यह है कि बहुत समय ऐसा आता है जब पौधे में फूल और फली आती है बिल्कुल बारिश नहीं होती है इसलिए किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि जब भी खरीफ की दलहनी फसलों का यदि बुआई करें तो सबसे पहले एक लाइन में बुआई करें छिटकवा विधि से परंपरागत विधि से इसकी बुआई ना करें किसान भाइयों को कि जब ज़्यादा पानी बरसता है या कम पानी बरसता है इसके लिए एक प्रमुख सलाह यह है कि दलानी फसलों को रिज और फरों में बोएं, मतलब नाली और मेढ़ पद्धति में बोएं, जो मेढ़ है उसके ऊपर लगाएं एक लाइन में और इससे दो फायदे होंगे एक तो पानी का निकास सही होगा तो जो पौधे मरते हैं अधिक पानी से वो बच जाएंगे और यदि ये सूखा पड़ता है तो उसका यह है कि आप कम से कम पानी इस्तेमाल करके आप एक सिंचाई नालियों में कर सकते हैं जिससे कि भरपूर संख्या में जो है अच्छी पौधों में जो है ग्रोथ होगी और पौधों की संख्या निर्धारित होगी और अच्छी नमी होने से एक अच्छी पैदावार को सुनिश्चित किया जा सकता